चांडिल डैम किस जिला में है? ठीक है, चांडिल डैम तो सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, जो कि आप देखोगे स्वर्ण रेखा पर स्थित है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है और लगभग इसकी ऊंचाई 220 मीटर है। नेक्स्ट आंसर दीजिए, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? यहाँ ऑप्शन के आधार पर काम होना चाहिए। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस? क्योंकि पाट बोले तो पौसे पाट, पौसे पश्चिम झारखंड का पश्चिम क्षेत्र को पाट प्रदेश कहते हैं और वहाँ पर देखोगे लातेहार, लोहरदगा, गुमला तीनों देखने को मिलती है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, बोले तो साहेबगंज, साहेबगंज से। ठीक है, और स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार कितने राज्यों में है? तो तीन राज्यों में स्वर्ण रेखा का विस्तार तीन राज्यों में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड, अच्छा कितने राज्यों में है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो झरिया में। ठीक है, झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थित है? बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र मोरी। ठीक है, मोरी। भारत में सर्वाधिक, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, कहाँ स्थापित की गई थी सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी सबसे पहले? तो सिंदरी। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड तो धनबाद में। ठीक है, याद रखेंगे धनबाद में। भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान है? ठीक है, तो इसका योगदान कितना है? तो 1/3 भाग। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? तो बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहेबगंज में, साहेबगंज में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे साहेबगंज हुआ, उसके आसपास के इलाके बरहुआ, तीन पहाड़, बाको, डीटल, वहाँ पर बेंटोनाइट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट।